नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव सिंह, फैकल्टी ऑफ साइकोलॉजी, जुगल सर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, कल की क्लास में हमने मापन और मूल्यांकन नामक चैप्टर स्टार्ट किया था। वहां पर हम अपन मूल्यांकन का प्रारंभिक परिचय पढ़ चुके थे, मूल्यांकन की विचारधारा के जनक ब्लूम, मूल्यांकन शब्द को पाठ योजना में जोड़ा हर्बर्ट स्पेंसर ने, और किसी भी व्यक्ति, वस्तु या उद्देश्य को मूल्य प्रदान कर उसकी उपयोगिता के संबंध में निर्णय लेने की प्रक्रिया मूल्यांकन कहलाती है। अच्छे मूल्यांकन की विशेषताएं पढ़ ली थी अपन ने, जो टोटल सात हैं: वैधता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता, व्यापकता, स्पष्टता, व्यावहारिकता और विभेदकारिता। अब दोस्तों, हम बात करेंगे आज एक बहुत ही मापन और मूल्यांकन से रिलेटेड एक बिल्कुल नई अवधारणा पर, जो मापन और मूल्यांकन के अंतर्गत एक नया कंसेप्ट है और यहाँ से क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटीज बहुत अधिक मात्रा में है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, इंग्लिश में इसको बोला जाता है कंटिन्यूस एंड कंप्रेहेंसिव इवैल्यूएशंस, और शॉर्ट फॉर्म की बात करें तो CCE, कंटिन्यूस एंड कंप्रेहेंसिव इवैल्यूएशंस, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। देखिए दोस्तों, NCERT 2005 जो कि आपके सिलेबस में भी है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005, NCERT 2005 में संपूर्ण पाठ्यक्रम में बदलाव और सुधार की सिफारिश की गई है। NCERT 2005 में ये माना गया है कि संपूर्ण पाठ्यक्रम में सुधार किया जाना चाहिए, बदलाव किया जाना चाहिए, मूल्यांकन में भी सुधार और बदलाव की सिफारिश की गई है, और उसी सुधार और बदलाव का नतीजा है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। देखिए, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन मूल्यांकन का वह प्रकार है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन CCE मूल्यांकन का वह प्रकार है जिसमें मूल्यांकन का वह प्रकार है जिसमें छात्र के विकास की जिसमें छात्र के विकास की जिसमें छात्र के विकास के सभी पक्ष शामिल हैं। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन मूल्यांकन का वह प्रकार है जिसमें छात्र के विकास के सभी पक्ष शामिल हैं। शैक्षिक दृष्टिकोण से बात करें तो छात्र के विकास के पक्षों में तीन प्रकार के पक्षों की बात की जाती है: ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत छात्र के ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक सभी प्रकार के विकास पर बल दिया जाता है। अब सतत क्या होता है और व्यापक क्या होता है, हम इसको थोड़ा सा समझने का प्रयत्न करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सतत मूल्यांकन के संदर्भ में। देखिए, सतत मूल्यांकन कंटिन्यूस इवैल्यूएशंस, सतत मूल्यांकन। देखिए दोस्तों, जो पूर्व मूल्यांकन प्रणालियां थी या हमारी जो परंपरागत मूल्यांकन प्रणालियां थी, वो केवल पूर्व मूल्यांकन प्रणालियों में बालक की या परंपरागत मूल्यांकन प्रणालियों में बालक की शैक्षिक उपलब्धि का मापन या मूल्यांकन करने का एकमात्र साधन मानी जाती थी वर्ष के अंत में ली जाने वाली परीक्षाएं। बालक की शैक्षिक उपलब्धि का जो मूल्यांकन किया जाता था वो किया जाता था वर्ष के अंत में आयोजित परीक्षाओं से, जिसे आप और हम सब जानते हैं वार्षिक परीक्षाओं के नाम से। अब मान लो किसी वजह से कोई बालक
उस परीक्षा में नहीं बैठ पाया तो उसका तो पूरा साल गया। और इस बात का कितना मानसिक तनाव होता है यह वही जानता है जिसने झेला हो। मान लो एक बच्चा है, बेहद ब्रिलियंट बच्चा है और हमेशा हर क्लास में 95% मार्क्स लेके आता है, लेकिन वार्षिक परीक्षा के टाइम पे उसे डेंगू हो गया और वो उस परीक्षा में नहीं बैठ पाया तो उस पर सीधा सीधा लेवल लगा दिया जाएगा फेल का। क्या ये इस बच्चे का सही मूल्यांकन है? अगर ये बच्चा पेपर देता तो निश्चित रूप से 90% मार्क्स लेके आता, लेकिन बच्चे पर लेवल किसका लगा दिया गया? फेल का। इसलिए मूल्यांकन को बनाया गया सतत। सतत मूल्यांकन के अंतर्गत लगातार मूल्यांकन किया जाता है, यानी कि जब मूल्यांकन के अंतर्गत साल भर नियमित रूप से परीक्षाएं ली जाती है तो वो कहलाता है सतत मूल्यांकन। यानी कि सतत मूल्यांकन के अंतर्गत, यहां पर हम देख लेते हैं, सतत मूल्यांकन के अंतर्गत साल भर नियमित रूप से परीक्षा का आयोजन होता है। यानी कि सतत मूल्यांकन के अंतर्गत साल भर लगातार परीक्षाएं ली जाती है। जैसे टीचर ने क्लास में पढ़ाया और क्लास में ही कुछ प्रश्न पूछ लिए और उन प्रश्नों के नंबर दे दिए, क्लास में पढ़ाया होमवर्क दे दिया होमवर्क के नंबर दे दिए, कोई असाइनमेंट वर्क दे दिया उसके नंबर दे दिए, साप्ताहिक परीक्षाएं ले ली, मासिक परीक्षाएं ले ली। ये साप्ताहिक परीक्षाएं, मासिक परीक्षाएं, होमवर्क के नंबर, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? सतत मूल्यांकन के अंतर्गत आते हैं। मूल्यांकन का वो प्रकार जिसमें कंटिन्यूस साल भर तक ही परीक्षाओं का आयोजन होता है। अब मान लो अगर कोई बच्चा वर्ष के अंत में आयोजित होने वाली उस वार्षिक परीक्षा में नहीं बैठ पाया तो इन मासिक परीक्षाओं के आधार पर, साप्ताहिक परीक्षाओं के आधार पर, असाइनमेंट वर्क के आधार पर, गृह कार्य के आधार पर उस बच्चे का एक एवरेज इवैल्यूएशन कर लिया जाता है और वो बच्चा फेल होने से बच जाता है। यह कहलाता है सतत मूल्यांकन। और अब अपन बात करते हैं व्यापक मूल्यांकन के संदर्भ में। व्यापक मूल्यांकन समझना दोस्तों, व्यापक मूल्यांकन क्या होता है? देखिए दोस्तों, बात करें एजुकेशन के रेफरेंस में तो शिक्षा का जो उद्देश्य है वो है, जैसा कि आप सब जो लोग जानते हैं कि शिक्षा का जो उद्देश्य है वो है व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास, व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास। और विकास के तीन पक्ष होते हैं, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। देखिए दोस्तों, हमारा जो ज्ञानात्मक पक्ष है उसका विकास होता है शैक्षिक क्रियाओं से, जिन्हें हम कहते हैं पाठ्यक्रम या सिलेबस। जो हमारा सिलेबस होता है वो केवल हमारे कौन से पक्ष का विकास करता है? मात्र ज्ञानात्मक पक्ष का विकास करता है, लेकिन भावात्मक और क्रियात्मक पक्षों का विकास करने का सबसे अच्छा साधन मानी जाती है सहशैक्षिक क्रियाएं, को-करिकुलम एक्टिविटीज, जैसे नृत्य, नाटक, खेलकूद, प्रतियोगिता, सेमिनार। ये सब सहशैक्षिक क्रियाओं के अंतर्गत आती है और सहशैक्षिक क्रियाएं भावात्मक और क्रियात्मक पक्षों को विकसित करने का सबसे अच्छा साधन है, या भावात्मक और क्रियात्मक पक्षों का मूल्यांकन करने का सबसे अच्छा साधन है। क्योंकि सहशैक्षिक क्रियाओं को चुनने के लिए, पाठ्य सहगामी क्रियाओं को चुनने के लिए बालक पर कोई दबाव नहीं होता, ये उसे अपनी इच्छा से चुनता है। जैसे अगर किसी बच्चे ने नृत्य चुना, तो नृत्य क्यों चुना? क्योंकि नृत्य के प्रति उसके इमोशन
अच्छे हैं, इससे उसके भावात्मक पक्ष का मूल्यांकन होगा, और जब नृत्य करेगा तो उससे उसके क्रिया भी होगी तो क्रियात्मक पक्ष का भी मूल्यांकन होगा। तो जो सशैक्षिक क्रियाएं हैं वो भावात्मक और क्रियात्मक पक्षों का मूल्यांकन करने का या विकास करने का सबसे अच्छा साधन मानी जाती है। तो जब मूल्यांकन के अंतर्गत, बहुत ध्यान से समझना, जब मूल्यांकन के अंतर्गत शैक्षिक के साथ साथ सह शैक्षिक क्रियाओं का भी मूल्यांकन कर लिया जाता है तो वो कहलाता है व्यापक मूल्यांकन। यानी कि सतत मूल्यांकन के अंतर्गत तो साल भर नियमित रूप से परीक्षाओं का आयोजन होता है, जबकि व्यापक मूल्यांकन में मूल्यांकन के अंतर्गत शैक्षिक क्रियाओं के साथ साथ सह शैक्षिक क्रियाओं का भी मूल्यांकन किया जाता है और वो कहलाता है व्यापक मूल्यांकन। यानी कि व्यापक मूल्यांकन में शैक्षिक और सह शैक्षिक क्रियाएं दोनों का मूल्यांकन किया जाता है। आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो इसमें अपन थोड़ा सा लिखते हैं, लिखिए, देखिए, CCE के अंतर्गत ज्ञानात्मक पक्ष के साथ साथ सह संज्ञानात्मक यानी कि जिन्हें अपन कहते हैं भावात्मक और क्रियात्मक पक्ष, सह संज्ञानात्मक पक्षों के मूल्यांकन पर भी बल दिया जाता है। यानी कि सीसी के अंतर्गत ज्ञानात्मक पक्ष का तो मूल्यांकन किया ही जाता है, बल्कि उसके साथ साथ सहसंज्ञानात्मक यानी कि भावात्मक और क्रियात्मक पक्षों के मूल्यांकन पर भी बल दिया जाता है। यह मूल्यांकन की एक नवीन प्रणाली है जिसे ग्रेडिंग सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। सतत और व्यापक मूल्यांकन को ग्रेडिंग सिस्टम के नाम से जाना जाता है। यानी कि इस मूल्यांकन में डिवीजन की जगह किसको प्राथमिकता दी गई है, ग्रेड सिस्टम को प्राथमिकता दी गई है। जैसे अभी आपने CBSEs में RBSEs में इसको लागू कर दिया, आपने देखा होगा ग्रेड दी जाती है A+, B+, A+, C+। तो ग्रेडिंग सिस्टम को लागू किया गया है क्योंकि देखो पूर्व मूल्यांकन जो प्रणाली थी उसमें डिविजन्स दिए जाते थे और ये डिविजन्स बालकों में विभेद पैदा करते थे, क्योंकि जिसका फर्स्ट डिविजन आता था वो स्टूडेंट तो अपने आप को जिंदगी भर फर्स्ट क्लास समझता था और ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार हो जाता था, और जिसके थर्ड डिविजन आता था वो बेचारा अपने आप को पूरी जिंदगी थर्ड क्लास समझता था और इन्फियोरिटी कॉम्प्लेक्स हीन भावना से ग्रसित हो जाता था। तो इन दोनों बालकों में एक गहरी खाई उत्पन्न हो जाती थी, किसी भी प्रकार की समानता क्लास में स्थापित नहीं रह पाती थी। इसलिए इस डिवीजन सिस्टम्स को हटाकर अभी ग्रेडिंग सिस्टम को लाया गया है जिसमें ग्रेड्स दी जाती है जैसे A+, A+, B+, B आदि। तो सतत और व्यापक मूल्यांकन को याद रखना ग्रेडिंग सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है। और CCE इस बात पर बल देता है कि CCE इस बात पर बल देता है कि सीखने का किस प्रकार अवलोकन किया जाए
सीखने का किस प्रकार अवलोकन किया जाए व रिकॉर्ड सुधारा जाए। सीसी इस बात पर बल देता है कि सीखने का किस प्रकार अवलोकन किया जाए तथा बालक के विद्यालय के रिकॉर्ड में सुधार किया जाए। तो सीसी के अंतर्गत आपको कुछ चीजें याद रखनी है, सतत मूल्यांकन जिसमें साल भर नियमित रूप से परीक्षाओं का आयोजन किया जाता है, व्यापक मूल्यांकन जिसमें शैक्षिक के साथ साथ सह शैक्षिक क्रियाओं का भी मूल्यांकन किया जाता है, सीसीई में ज्ञानात्मक के साथ साथ सहसंज्ञानात्मक यानी कि भावात्मक और क्रियात्मक पक्षों के मूल्यांकन पर भी बल दिया जाता है। सीसीई को ग्रेडिंग सिस्टम के नाम से भी जानते हैं और सीसीई इस बात पर बल देता है कि सीखने का किस प्रकार अवलोकन किया जाए तथा रिकॉर्ड सुधारा जाए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों सीसीई के प्रकार या तकनीक। सीसीई के कितने प्रकार हैं या कितनी तकनीक है, तो सीसीई का जो सबसे पहला प्रकार है उसे कहा जाता है रचनात्मक मूल्यांकन। सीसीई में जो पहला मूल्यांकन होता है उसे कहा जाता है रचनात्मक मूल्यांकन। रचनात्मक मूल्यांकन इसमें मूल्यांकन के अंतर्गत वाद विवाद प्रश्नोत्तरी साप्ताहिक परीक्षाएं मासिक परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं, तो वो कहलाता है रचनात्मक मूल्यांकन। यानी कि रचनात्मक मूल्यांकन के अंतर्गत वाद विवाद प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है, प्रश्नोत्तरी प्रश्नों की श्रृंखला बनाकर प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रश्नोत्तरी का आयोजन किया जाता है, साप्ताहिक या मासिक परीक्षाओं का आयोजन किया जाता है, जो कि वाद विवाद और प्रश्नोत्तरी के माध्यम से बालक की क्रिएटिविटी की उसकी रचनात्मक या सृजनात्मक क्षमताओं की भी जांच होती है। इसलिए इस परीक्षण को इस मूल्यांकन को कहा जाता है रचनात्मक मूल्यांकन। साप्ताहिक और मासिक परीक्षाएं भी रचनात्मक मूल्यांकन के अंतर्गत या दिन प्रतिदिन लिए जाने वाले टेस्ट भी रचनात्मक मूल्यांकन के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट जो मूल्यांकन की दूसरी टेक्निक है या दूसरा प्रकार है उसे कहा जाता है योगात्मक मूल्यांकन। का अर्थ है कि समय विशेष पर बालक ने कितना अच्छा कार्य निष्पादित किया। समय विशेष पर बालक ने कितना अच्छा कार्य निष्पादित किया। देखिए एक पर्टिकुलर समय पर, एक समय विशेष पर बालक ने कितना अच्छा कार्य निष्पादन का मतलब होता है प्रोड्यूस करना, उत्पाद करना, कि एक समय विशेष पर बालक ने कितना अच्छी परफॉर्मेंस दी, कितनी अच्छा उसने उसके कार्य का निष्पादन दिया। समय विशेष पर यानी कि जैसे 6 महीने में या 12 महीने में बालक की परफॉर्मेंस, निष्पादन का मतलब परफॉर्मेंस कैसी रही। तो जो अर्धवार्षिक परीक्षाएं होती है या जो वार्षिक परीक्षाएं होती है वो किसके अंतर्गत आती है,
योगात्मक मूल्यांकन के अंतर्गत यानी कि 6 महीने में या 12 महीने में बालक की परफॉर्मेंस कैसी रही, एक समय विशेष पर बालक ने कितना अच्छा कार्य निष्पादित किया। तो अर्धवार्षिक परीक्षाएं या वार्षिक परीक्षाएं कौन से मूल्यांकन के अंतर्गत, योगात्मक मूल्यांकन के अंतर्गत, जबकि साप्ताहिक और मासिक और दिन प्रतिदिन ली जाने वाली परीक्षाएं रचनात्मक मूल्यांकन के अंतर्गत आती हैं। अब तीसरे प्रकार की बात करें तो मूल्यांकन का तीसरा प्रकार है, सतत और व्यापक मूल्यांकन का तीसरा प्रकार है निदानात्मक मूल्यांकन। निदानात्मक मूल्यांकन, निदानात्मक मूल्यांकन क्या होता है, जिन बालकों की शैक्षिक उपलब्धि, जिन बालकों की शैक्षिक उपलब्धि, शैक्षिक उपलब्धि अपने समकक्ष बालकों के, अपने समकक्ष बालकों के समान नहीं होती, समान नहीं होती, उनकी अधिगम संबंधी, उनकी अधिगम संबंधी कठिनाइयों का पता लगाएं। जिन बालकों की शैक्षिक उपलब्धि अपने समकक्ष बालकों के समान नहीं होती, उनकी अधिगम संबंधी कठिनाइयों का पता लगाना। देखिए दोस्तों समझना, निदान का अर्थ होता है डायग्नोसिस करना, इंग्लिश में बोलते हैं डायग्नोसिस करना, यानी कि किसी भी समस्या को कारण सहित जानना। और ये शब्द बेसिकली मेडिकल टर्मिनोलॉजी का है। जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर डायरेक्ट उपचार नहीं करता, पहले निदान करता है, समस्या को कारण सहित जानता है। जब आप डॉक्टर के पास जाते हो तो आप बोलते हो कि मुझे बुखार आ रहा है, तो डॉक्टर आपसे पूछता है कि बुखार कैसे आया था, खांसी हुई थी, जुकाम हुई थी, ठंड लगी थी, यानी कि वो समस्या के कारणों को जान रहा है और कारणों को जानने के बाद उपचार दे रहा है। तो पहले निदान किया जाता है यानी कि समस्या के कारणों को जाना जाता है और उसके बाद उपचार दिया जाता है। तो निदानात्मक मूल्यांकन में क्या होता है कि जिन बालकों की शैक्षिक उपलब्धि अपने समकक्ष बालकों के समान नहीं होती, मान लो 8वीं क्लास का पेपर हुआ लेकिन कुछ बालक उस 8वीं क्लास के पेपर में फेल हो गए, तो जिन बालकों की शैक्षिक उपलब्धि अपने समकक्ष बालकों के समान नहीं होती, उनकी अधिगम संबंधी कठिनाइयों का पता लगाया जाता है निदानात्मक मूल्यांकन में, यानी कि उनको सीखने में कहां दिक्कत आ रही है, इसके कारणों को ढूंढा जाता है निदानात्मक मूल्यांकन में। और इसका जो चौथा प्रकार है वो है निर्माणात्मक मूल्यांकन। निर्माणात्मक मूल्यांकन, निर्माणात्मक मूल्यांकन, और इसका अर्थ है बालक की शैक्षिक प्रगति पर गौर करना, बालक की शैक्षिक प्रगति पर गौर करना व उपचारात्मक अनुदेशन की योजना बनाना, व उपचारात्मक अनुदेशन की योजना बनाना। देखिए निर्माणात्मक मूल्यांकन में क्या होता है, बालक की शैक्षिक प्रगति पर गौर किया जाता है और उपचारात्मक अनुदेशन की योजना बनाई जाती है। यानी कि निदानात्मक मूल्यांकन में तो समस्या को कारण सहित जाना जाता है और निर्माणात्मक मूल्यांकन में उसका उपचार कर दिया जाता है। तो ये सब स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। सबसे पहले तो आप साप्ताहिक परीक्षाएं या मासिक परीक्षाएं या दिन प्रतिदिन
जो परीक्षाएं ली जाती है वो ले लो, फिर उन सब का योग करके योगात्मक मूल्यांकन में 6 महीने या 12 महीने में परीक्षा ले लो। अब परीक्षा ली जाएगी तो ये पता चलेगा कि बालक को सीखने में कहाँ दिक्कत आएगी, वो निदानात्मक मूल्यांकन के अंतर्गत होगा, और जब अधिगम संबंधी कठिनाइयों का पता चल जाएगा तो शैक्षिक प्रगति पर गौर करके उसके लिए एक्स्ट्रा क्लासेस वगैरह लगा के उपचारात्मक अनुदेशन की योजना बना दो। तो ये सीसीई के 4 प्रकार है, रचनात्मक मूल्यांकन, योगात्मक मूल्यांकन, निदानात्मक मूल्यांकन और निर्माणात्मक मूल्यांकन। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं। और अब बात करते हैं सीसीई के लाभ, सीसीई के लाभ या गुण। सीसीई के क्या क्या लाभ हैं, सीसीई के क्या क्या गुण हैं। देखिए, सबसे पहला जो सीसीई का लाभ है वो है रटने की प्रवृत्ति कम। सीसीई रटने की प्रवृत्ति को कम करता है क्योंकि सीसीई में सतत मूल्यांकन के अंतर्गत रोज ही परीक्षाएं ली जाती है, साप्ताहिक परीक्षाएं ली जाती है, मासिक परीक्षाएं ली जाती है, तो वर्ष के अंत में पूरे पाठ्यक्रम को रटने की जरूरत नहीं पड़ती। बच्चा रोज का रोज अंडरस्टैंड करके पेपर दे लेता है, या बार बार चूंकि रिपीटेशन होता जाता है इसलिए एक साथ विषय वस्तु को रटने की आवश्यकता नहीं पड़ती। दूसरा जो सबसे बड़ा लाभ है सीसीई का वो है परीक्षा का तनाव कम करता है, क्योंकि बच्चा साल भर परीक्षाएं देता है इसलिए परीक्षा का तनाव उसके ऊपर कम रहता है। परीक्षा को लेकर किसी भी प्रकार का कोई तनाव नहीं रहता क्योंकि वो साल भर परीक्षाएं देने का अभ्यस्त हो जाता है। तीसरे लाभ की बात करें तो परीक्षा संबंधी भार को कम करता है, परीक्षा संबंधी भार को कम करता है। आप इसको सेकंड पॉइंट के रेफरेंस में भी समझ सकते हैं कि परीक्षा का तनाव कम होता है, परीक्षा संबंधी भार कम होता है, यानी कि बालक को एक साथ बहुत सारा नहीं पढ़ना पड़ता, पर क्योंकि वो साप्ताहिक टेस्ट देता रहता है, मासिक टेस्ट देता रहता है, तो वो टुकड़ों में अंशों में अपनी पढ़ाई को पूरा कर लेता है, उसको एक साथ सारा ज्ञान ग्रहण करने की जरूरत नहीं पड़ती और वो अंशों में ज्ञान को ग्रहण करता रहता है, तो उसके दिमाग पर किसी प्रकार का कोई प्रेशर या लोड नहीं आता। तीसरी चौथी विशेषता की बात करें तो ये मूल्यांकन सीसीई छात्र की प्रगति का नियमित रूप से छात्र की प्रगति का नियमित रूप से आकलन करने में सहायक है, क्योंकि इस मूल्यांकन के अंतर्गत सीसीई के अंतर्गत साल भर परीक्षाएं ली जाती है इसलिए छात्र की प्रोग्रेस का नियमित रूप से आकलन करने में सहायक है। और जो इसकी 5वीं विशेषता है वो है छात्रों की सीखने संबंधित कमजोरियों का निदान कर उपचार करने में सहायक, यानी कि बच्चे को सीखने में कहां दिक्कत आ रही है और सीखने संबंधित कमजोरियों का निदान कर उपचार करने में भी ये सहायक होता है। तो ये सीसी के लाभ या गुण है, रटने की प्रवृत्ति को कम करता है क्योंकि साल भर परीक्षाएं ली जाती है, परीक्षा का तनाव कम करता है क्योंकि साल भर परीक्षाओं का आयोजन होता है, परीक्षा संबंधी भार को कम करता है क्योंकि बालक अंशों में ज्ञान को ग्रहण करता है, छात्र की प्रगति का नियमित रूप से आकलन करने में सहायक है क्योंकि साल भर ही मूल्यांकन किया जाता है, और बच्चे को सीखने में कहां दिक्कत आ रही है सीखने संबंधित कमजोरियों का निदान कर उसका उपचार करने में भी सहायक है। तो ये कुछ सीसीई के लाभ या गुण हैं। और दोस्तों अब हम बात करते हैं सीसीई या मापन या मूल्यांकन
के अंतर्गत प्रीवियस परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चंस के संदर्भ में कि मापन और मूल्यांकन से किस प्रकार के प्रश्न एग्जामिनर द्वारा बनाए गए हैं, प्रश्नों का पैटर्न क्या है, प्रश्नों की शैली क्या है, और हमने जो पढ़ा उसके आधार पर हमारे अंदर उन प्रश्नों को सॉल्व करने की क्षमता उत्पन्न हुई या नहीं हुई। तो हम देखते हैं प्रीवियस प्रश्नों को। देखिए दोस्तों, अब हम देखते हैं कि रीट की विगत परीक्षाओं में मापन और मूल्यांकन से किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। रीट 2015 सेकंड लेवल में क्वेश्चन पूछा गया है कि जब बालक की परीक्षा द्वारा मापी गई योग्यता के सही मूल्यांकन में स्थायित्व होता है तब उस परीक्षा को कहते हैं। अब देखिए यहां पर यह शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, सही मूल्यांकन में स्थायित्व, यानी कि जब मूल्यांकन किया जाए तो उसमें अंक समान आए, कितने भी लोग उस परीक्षा को जांच लें, किसी भी समय जांच लें, लेकिन अगर अंकों में स्थायित्व है तो वो परीक्षा कौन सी परीक्षा कहलाती है? मैंने आपको बताया था वो परीक्षा कहलाती है विश्वसनीयता। ठीक है, वो परीक्षण कहलाता है विश्वसनीय परीक्षण। परीक्षण को कितने भी लोग जांच लें, किसी भी समय जांच लें, लेकिन अंक एक समान है, अंकों में स्थायित्व है, तो उस परीक्षा में विश्वसनीयता का गुण अधिक मात्रा में है। इसलिए उक्त प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा बी, विश्वसनीयता। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। डैश 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 में मापन की भूमिका सब सीखी हुई कुशलताओं के निष्पादन का महत्वपूर्ण अवलोकन देती है। यहाँ पर मूल्यांकन के कुछ प्रकार दिए गए हैं और उसमें पूछ गया है कि मापन की भूमिका सब सीखी हुई कुशलताओं के निष्पादन का, यानी कि सब सीखी हुई कुशलताओं का संपूर्ण अवलोकन। तो सब सीखी हुई कुशलताओं का संपूर्ण अवलोकन किसके अंतर्गत? योगात्मक मूल्यांकन के अंतर्गत। मैंने अभी आपको बताया योगात्मक मूल्यांकन का अर्थ कि बालक ने एक समय विशेष पर कितना अच्छा कार्य निष्पादित किया है, एक समय विशेष पर। जैसे वार्षिक परीक्षाएं या अर्धवार्षिक परीक्षाओं में सब सीखी हुई कुशलताओं का संपूर्ण अवलोकन होता है, इसलिए उक्त प्रश्न का आंसर होगा योगात्मक मूल्यांकन। ये प्रश्न पूछा गया था रीट 2015 में। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो रीट 2011 सेकंड लेवल में पूछा गया था कि निदानात्मक शिक्षण का आयोजन किया जाना चाहिए। देखो, निदान का अर्थ होता है समस्या को कारण सहित जानना और फिर उनका उपचार करना। प्रतिभाशाली बालकों के लिए निदानात्मक शिक्षण की जरूरत नहीं होती, सभी छात्रों के लिए भी निदानात्मक शिक्षण की जरूरत नहीं होती, पिछड़े बालकों के लिए निदानात्मक शिक्षण की जरूरत होती है। पिछड़े बालकों का अर्थ है केवल शैक्षिक दृष्टिकोण से पिछड़ा, जिन बालकों को सीखने में कठिनाइयां आती है उनको पिछड़े बालक कहते हैं, और पिछड़े बालकों की सीखने संबंधित कठिनाइयों को जानकर उनका उपचार किया जाता है। जो निदानात्मक शिक्षण की व्यवस्था की जाती है या आयोजन किया जाता है वो पिछड़े बालकों के लिए किया जाता है। 2011 में पूछा गया क्वेश्चन और उपरोक्त प्रश्न का सही आंसर होगा सी। आप इन तीनों क्वेश्चन के स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन, निर्माणात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य है एक शैक्षिक प्रगति पर गौर करना व उपचारात्मक अनुदेशन की योजना बनाना। मैंने अभी आपको चार प्रकार बताए हैं, रचनात्मक, योगात्मक, निदानात्मक और निर्माणात्मक। और निर्माणात्मक मूल्यांकन में बालक की शैक्षिक प्रगति पर गौर किया जाता है व उपचारात्मक अनुदेशन की योजना बनाई जाती है। सीधा फैक्चुअल क्वेश्चन है और इसका सही आंसर होगा ए। विद्यार्थी की समझ का पता नहीं लगाया जाता, अध्यापक के उद्देश्य की पूर्ति का पता नहीं लगाया जाता, ग्रेड्स प्रदान नहीं की जाती, ग्रेड सीसी के अंतर्गत प्रदान की जाती है। तो उक्त प्रश्न का आंसर होगा ए। दोस्तों, हमने जितना भी कंटेंट पढ़ा मापन और मूल्यांकन को लेकर, उस कंटेंट में से सारे प्रश्न विगत परीक्षाओं में देखने को मिले हैं। उम्मीद करता हूं कि आगे भी इस कंटेंट में परीक्षाओं में से प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो अगर आपको ये चैप्टर अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें, ताकि अधिक से अधिक छात्र इस विषय वस्तु से लाभान्वित हो सके।
आपका अपना गौरव सिंह आपके विश्वास और मनोबल के सहारे आपके लिए इससे भी अच्छा कंटेंट समय समय पर लाता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।